मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट फॉर द टेंसेस। हियर सम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। व्हाट इज टेंस? फर्स्ट एंड ऑल यू हैव टू सी, टेंस डिनोट द टाइम एंड एक्शन, दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ठीक है एवरीबडी, द टेंस डिनोट टाइम एंड एक्शन। यू हैव टू सी द टाइम, क्या पर्टिकुलर टाइम होगा, व्हाट वी डू फॉर द वर्किंग, जो हमारे रिलेट करता है टेंसेस से। ठीक है, टेंस के बिहाव पर हम टाइम और जो हमारा एक्शन जो भी हम कर रहे हैं वो बताते हैं। दिस इज द टेंस। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट एंड ऑल यू हैव गो फॉर द प्रेजेंट, देन पास्ट एंड फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारे प्रेजेंट का यानी वर्तमान में जो हो रहा है, पास्ट विल बी द भूतकाल, फ्यूचर विल बी भविष्यकाल। ठीक है, तो यू हैव टू सी देयर आर सम पार्टीशन फॉर द टेंसेस। अब जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसको हमने फोर पार्टीशन में बांट रखा है। फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड विल बी प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सेम प्रोसेस फॉर द पास्ट। पास्ट में भी ये क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। And then same for the future tense. But they will be give you some suggestions कि how we use for present, past and future. ठीक है, तो इसमें हमें present के अंदर simple, सबसे पहले हमें simple से जाना पड़ेगा। simple के अंदर भी काफ़ी आप देखेंगे कि उसके अंदर भी assertive जो कि positive tense को दिखाता है, second way for the negative and the third will be the interrogative and fourth one is interrogative negative. ठीक है, देन यू हैव टू गो फॉर द सिंपल प्रेजेंट। ओके ऑल ऑफ यू, इफ एनीथिंग एल्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू कंसल्ट विद नेक्स्ट क्लास। ओके, दिस इज द सेम एंड सिंपल वे फॉर यू व्हाट इज द टेंस। इफ यू गो फॉर द टाइम, आपको टेंसेस से पता चल जाएगा। जब भी हम कोई बात करते हैं देन वी हैव टू रिकॉग्नाइज द प्रोनाउंसिएशन। टाइम और एक्शन दोनों ही चीज़ें रिलेट करेगी फॉर द वर्क इज डन, जो हमने काम किया है उससे रिलेटेड। सो यू हैव नो प्रॉब्लम फॉर द टेंस। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें टेंस को कैसे और किस तरीके से ध्यान में रखना है। ओके, सेकेंडली जब हम अगर टेंसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक ही प्रॉब्लम आती है, हमें ऐसे लगता है सभी को कि भाई टेंस का यूज हम करेंगे कैसे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी टेंसेस की बात हो या वे ऑफ टॉकिंग की हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है, इसलिए आपको डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप उस वर्ड को, सेंटेंस को प्रॉपर वे में अपने दिमाग में डालें कि उसमें वो पर्सन बोल गया। ठीक है, अब हमें इसी चीज़ से पास्ट सिंपल, देन पास्ट कंटिन्यूस, देन पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड द सेम विल बी द फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ओके एवरीबडी, इफ एनीथिंग एल्स वी हैव टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्लास। ओके देन, थैंक यू।